इन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी लेके आए हैं और ये जो है बहुत ही अच्छा खुशखबरी है जो पैरामेडिकल से कोर्स किए हुए हैं डीमेरिटी के लिए लैब टेक्नीशियन का या रेडियोग्राफर का, उनके लिए राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा एक वैकेंसी निकाली है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानकारी लेते हैं यह वैकेंसी क्या है और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको उसमें फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें जो आपका चयन होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामेडिकल में लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं पद का नाम क्या है। पद का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के पोस्ट पे किया गया है, जिसमें दो भागों में बांटा गया है, एक गैर अनुसूचित क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र। तो इन दोनों जगह पे आप लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कहाँ पे कितनी पोस्ट है। यहाँ पे आप जो है इस जगह पे देख सकते हैं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो है 1014 पोस्ट है वहाँ पे खाली है, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे 105 पोस्ट खाली है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के 1119 पोस्ट इसके लिए खाली है और सहायक रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1058 पोस्ट खाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आप यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया में जाके ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। वैसे मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ क्या क्या आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों, जो OBC या सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 350 रुपया है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति से आते हैं उनके लिए 250 रुपया जो है यहाँ पे परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। ठीक है दोस्तों, उसके अनुसार उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस क्षेत्र में कौन से वर्ग के लिए क्या क्या सीटें हैं, आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, है ना। अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या क्या है, यहाँ पे सहायक रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है, है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा आपको डिटेल में और बता दूँ कि इसमें क्या क्या और ज़रूरत है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो देख सकते हैं। अच्छा, वेतनमान मतलब आपका पेमेंट कितना होगा, तो लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए 7वें वेतन आयोग के नियमानुसार जो है पे किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, पात्रता यानी अब एलिजिबिलिटी आपकी क्या है होनी चाहिए इसके लिए। देखिए पात्रता एलिजिबिलिटी में आपको 10+2 तो आप जानते ही ये होना ही होना है, उसके बाद प्लस जो है आपको किसी भी स्टेट या सेंट्रल के गवर्नमेंट से आपका डीमेरिटी के लिए लैब टेक्नीशियन का कोर्स है ना। ये देखिए यहाँ पे लैब टेक्नीशियन कोर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिलिंग में होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके जो है हिंदी लिखने आना चाहिए देवनागरी लैंग्वेज में और जो है राजस्थान का कल्चर मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगर रेडियोग्राफर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको साइंस के साथ जो है या मैथमेटिक दोनों के साथ जो है बायोलॉजी या मैथमेटिक के साथ 10+2 होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है रेडियोग्राफी का जो है कोर्स किया हुआ होना चाहिए आपके पास, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट से, बट यहाँ पे जो है उसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग में होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है हिंदी राइटिंग करने आना चाहिए आपको और देवनागरी कल्चर आपको मालूम होना चाहिए वहाँ के राजस्थान के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं नेशनलिटी की कि कहाँ कहाँ के लोग भर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनलिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के
नेपाल के और भूटान के यहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आयु की बात करें यहाँ पे तो 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज को जैसे यहाँ पे छूट दी गई है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और डिटेल देख लेते हैं। पेंशन क्या है, पेंशन के लिए यहाँ पे पेंशन की योजना लागू होगी, ठीक है दोस्तों। और आवेदन करने के लिए डेट क्या है, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा एक दिन लेट हूँ यहाँ पे, आप 18 तारीख से लेके 2/7 तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तभी आपके पास समय है, लगभग 15-14 दिन का आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी छूट गई तो बहुत मुश्किल से इस कोरोना काल में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और चुनाव जो होगी वो देखिए आपका जो है 10+2 और जो लैब टेक्नीशियन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसके वो दोनों को मिला के 70% मार्क्स उसमें से लिया जाएगा और 30% आपका मार्क्स लिया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। यदि आप 1 साल के एक्सपीरियंस कहीं किए हुए हैं तो वो 10%, अगर 2 साल तो 20%, अगर 3 साल तो 30%, यानी 70 इधर और 30% जो है एक्सपीरियंस, दोनों मिला के 100% माना जाएगा और उसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मेरिट बेस्ड है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अनुभव के आधार पे बोनस अंक दिया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। और 1 साल पूरा होने पर ही, 365 दिन पूरे होने पर ही 1 वर्ष माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अनुभव का प्रमाण पत्र क्या क्या होना चाहिए वो आप लोग देख लीजिएगा ये फॉर्मेट में, है ना। तो ये आपका पूरा डिटेल है, जो अच्छी समय में निकल के आई है ये वैकेंसी। तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कैसे करें ये भी देख सकते हैं, है ना। और लास्ट में यहाँ पे दिया होगा कि जो बोर्ड का वेबसाइट है ना, www.rsmssb.rajasthan.government.in पे जाके आप लोग ये सूचना देख सकते हैं। यहाँ पे दूरभाष नंबर यानी टेलीफोन नंबर भी दिया गया है, 01412722520। तो ये आपका पूरा डिटेल है ना, आप लोग पूरे अच्छे से इसको छानबीन करके देख के अप्लाई कर दीजिएगा। टाइम बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। और इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी और इससे रिलेटेड सूचना टाइम पे आपको मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।